नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, कांग्रेस और गहलोत के भारत बंद के समर्थन पर गरमाई सियासत। सीएम गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है राहुल गांधी और उनका परिवार। राहुल गांधी को किसानों से नहीं कोई सरोकार, राहुल गांधी को किसानों से कोई सरोकार नहीं, ये कहना है सतीश पूनिया का। इस समय भारत बंद की नहीं बल्कि खुले होने की जरूरत है। सीएम गहलोत ने किसान कर्ज माफी कब होगी इसका नहीं दिया जवाब। आत्महत्या कर रहे किसानों की सुध आखिर कब लेगी प्रदेश सरकार। जयपुर कांग्रेस और गहलोत के भारत बंद के समर्थन पर गरमाई सियासत। सीएम गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का ये पलटवार आया है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं राहुल गांधी और उनका परिवार। राहुल गांधी को किसानों से कोई सरोकार नहीं है, ये कहना है सतीश पूनिया का। इस समय भारत बंद की नहीं बल्कि खुले होने की जरूरत है। एक प्लेट दो राहुल गांधी और उनका परिवार। राहुल गांधी को किसानों से नहीं कोई सरोकार। इस समय भारत बंद की नहीं बल्कि खुले होने की जरूरत है। सीएम गहलोत ने किसान कर्ज माफी कब होगी इसका नहीं दिया जवाब। आत्महत्या कर रहे किसानों की सुध आखिर कब लेगी प्रदेश सरकार। इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से, किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन। 8 दिसंबर को राजस्थान कांग्रेस करेगी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन। जयपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी नेता कार्यकर्ता करेंगे विरोध। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक। 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर हो रही है बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में मौजूद। कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद के समर्थन का किया ऐलान। जयपुर से बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन। 8 दिसंबर को राजस्थान कांग्रेस करेगी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। जयपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी नेता कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक। 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर हो रही है बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में मौजूद। कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद के समर्थन का किया है ऐलान। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन। 8 दिसंबर को राजस्थान कांग्रेस करेगी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन। जयपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी नेता कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक। 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर हो रही है बैठक। कांग्रेस ने किसानों के बाद भारत बंद के समर्थन का किया है ऐलान। बड़ी खबर जयपुर से, कांग्रेस और गहलोत के भारत बंद के समर्थन पर अब सियासत गर्मा गई है। सतीश पूनिया ने पलटवार किया है सीएम गहलोत पर। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है राहुल गांधी और उनका परिवार। कांग्रेस पर भी पलटवार, राहुल गांधी को किसानों से नहीं कोई सरोकार। इस समय भारत बंद की नहीं बल्कि खुले होने की है जरूरत। सीएम गहलोत ने किसान कर्ज माफी कब होगी इसका नहीं दिया जवाब। आत्महत्या कर रहे किसानों की सुध आखिर कब लेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन किया है। इस समय भारत के बंद की नहीं भारत के खुले होने की जरूरत है। विश्व में खुले मन से खुला भारत, नया भारत, तरक्की के रास्ते पर चले, इस बात में सहयोग की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी किसानों के पक्षधर हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की है, ये बेबुनियाद सी बात है। राहुल गांधी और उनका पूरा खानदान पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है, उनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। नए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को है, वो आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि राजस्थान की किसानों की कर्जा माफी कब होगी। ये राहुल गांधी जी ने कहा था,
राजस्थान में किसान आत्महत्या क्यों करता है, क्योंकि बाकी जगह आत्महत्याओं पर पाखंड करते हैं, लेकिन राजस्थान के किसानों की सुध क्यों नहीं लेते, इस बात का जवाब दोनों ने अभी तक दिया नहीं।